क्रिकेट को आला बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए परवेज रसूल की लगातार काविशों के बाद बिजबिहारा प्रीमियर लीग एडिशन 4 में जो है एक नई टर्फ बनाई गई है और इस टर्फ की जो है दाद दे रहे मकामी व गैर मकामी खिलाड़ी। मेरे साथ इस वक्त वादी कश्मीर के मशहूर मारूफ खिलाड़ी खालिद भट्ट, जिनको मिस्टर 360 कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? हमने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जो है एवी डिविलियर्स को देखा है जो विकेट के चारों अतराफ खेल रहे थे और वही क्वालिटी खालिद भट्ट में कूट कूट कर भरी हुई है। विकेट के चारों अतराफ बॉलर्स पर जो है हावी होते हैं। आपसे फर्स्ट ऑफ ऑल जानने की कोशिश करेंगे, ये जो बिजबिहारा प्रीमियर लीग का जो स्टेज सजाया गया है एक प्लेटफॉर्म युवा क्रिकेटर्स के लिए, आप इसको कैसे देख रहे हैं? मैं एक ये टूर्नामेंट जो है ना एक युवा पीढ़ी के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ कि अगर यहाँ पे वो आएंगे खेलेंगे, जो कि बाहर जब बंदा नेशनल के लिए जाता है या मुझे लगता है इंटरनेशनल के लिए भी जाता है, उनके लिए भी ऐसा जो प्लेटफॉर्म है ना बहुत बढ़िया है। अगर वो यहाँ पे आके परफॉर्म करेंगे, कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे तो उनके लिए आगे अल्लाह के फजल से मुझे लगता है बहुत अच्छा स्कोप है। तो हम देख रहे हैं कि लोकल्स एज वेल एज नॉन लोकल प्लेयर्स यहाँ पे खेल रहे हैं, कितना इससे बूस्ट मिल रहा है और कितना मोटिवेट हो रहे हैं लोकल बडिंग क्रिकेटर्स? ये तो इन ऑर्गेनाइजर्स के लिए पहले मैं करना चाहूंगा या अप्रिसिएशन देना चाहूंगा कि ये जो टूर्नामेंट इन्होंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है, बाहर से भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे इसको मैच को खेलने के लिए आ रहे हैं, यहाँ लोकल्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं और जो युवा देख रहे हैं उनमें भी वो जोश वो उत्साह दिख रहा है मुझे कि वो भी क्रिकेट की तरफ जो है ना रुझु कर रहे हैं। ये अच्छा है कि अगर आजकल की जनरेशन जो है इस टाइम की अगर वो स्पोर्ट्स की तरफ जाएंगी तो इससे मुझे नहीं लगता इससे मतलब बड़ी फख्र की बात बड़ी के लिए कुछ होगा। मुझे लगता है ऐसी डेवलपमेंट तो कश्मीर में बहुत जगहों से होनी चाहिए, हर एक डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए, हर एक डिस्ट्रिक्ट से जो है युवाओं को ऐसा ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो ऐसे ऐसे टूर्नामेंट्स खेलें। ये हमारे कौम के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे यूथ के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है कि अगर वो स्पोर्ट्स की तरफ माइल होंगे तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। खालिद साहब, काफ़ी सुधार आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, तो स्पोर्ट्स काउंसिल तक कुछ डिमांड आप पहुँचाना चाहोगे मजीद? बस यही रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही ग्राउंड, ऐसे ही टर्फ क्रिकेट्स वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में अगर प्रोवाइड करेंगे हर एक यूथ के लिए वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी मैटिंग क्रिकेट भी चल रहा है लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक ये साल में मैंने देखा कि बहुत अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है, बहुत जगहों पर ऐसे मैटिंग क्रिकेट बंद हो रहा है और टर्फ क्रिकेट स्टार्ट किया है। तो ऐसे ही रिक्वेस्ट है स्पोर्ट्स काउंसिल से कि उनकी जो मेहनत है वो ऐसे ही मेहनत करते रहे और जितना हो सके यूथ को जो है ना एनकरेज करते रहे, उनको ऐसी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते रहे। डेडिकेशन के साथ साथ प्रोफेशनलिज्म को बरकरार रखने के हवाले से जो बड़िंग क्रिकेटर्स इस वक्त है, ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड्स में आए, अपने आप को जो है एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करे, जो ग्राउंड एक्टिविटीज है जितना हो सके फोन को अवॉइड करे और सेफ रहे, अपने माँ बाप के बारे में सोचे, बेहतर अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचे, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। एट द एंड हाउ वुड यू रेट बिजबिहारा प्रीमियर लीग? JNK's नंबर वन लीग। मेरे साथ बात कर रहे थे मिस्टर 360 खालिद भट्ट, जिनका यही कहना है बिजबिहारा प्रीमियर लीग जम्मू कश्मीर की आला किस्म की लीग है। फिलहाल देखते रहे JK News Point।